ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हम फुल स्लाइड शो कर रहे थे, ठीक है, हम माउस से या फिर हम अपने एरो कीज से स्लाइड को आगे लेके जा रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टाइमिंग सेट करनी हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 सेकेंड या 4 सेकेंड हर स्लाइड के ऊपर चाहिए और उसके बाद स्लाइड चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, सबसे पहले अपनी सारी स्लाइड्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, किस तरह से शिफ्ट प्रेस करता हूं और लास्ट वाली स्लाइड में क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो सारी स्लाइड्स हमारे पास ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिशंस के टैब में, ठीक है, ट्रांजिशंस का टैब ओपन है हमारे पास और इसके बिल्कुल राइट साइड पे आ जाओ। अभी देखो किसके ऊपर चेक लगा हुआ है, ऑन माउस क्लिक के ऊपर, ठीक है, आप इसके ऊपर से चेक हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर के ऊपर आप चेक लगा दो, ठीक है। आफ्टर के ऊपर आपने चेक लगाया, अब आप यहाँ पे सेकंड्स मतलब टाइम सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्लाइड के ऊपर 5 सेकंड्स रखने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड मैंने कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, अपनी फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूँ, अपनी फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, ठीक है, सही, फाइल सेव हो गई। अब मैं फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अब मैं स्लाइड शो मतलब फुल स्क्रीन में अपनी प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो अब जितना मैंने टाइम सेट किया है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरी ये मूव होगी स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन मूव होगी। मैंने 5 सेकंड्स दिए थे तो हर 5 सेकंड्स के बाद मेरी स्लाइड चेंज होगी, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो बेशक, मतलब के बाकी 5 सेकंड्स के बाद मूव हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अलग अलग टाइमिंग सेट करनी हो स्लाइड पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं कोर्सेज डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अब जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल की थी, ठीक है, मतलब जब मैं प्रेजेंटेशन कहीं देने जा रहा हूँ, तब मुझे इस सेकेंड स्लाइड के ऊपर टाइम ज्यादा लगा था, ठीक है, बनिस्बत फर्स्ट स्लाइड के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अलग टाइमिंग सेट करूंगा, सही है, मतलब फिर मैं सारी स्लाइड एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइम अप्लाई नहीं करूंगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइमिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेकंड स्लाइड सिलेक्ट की, मुझे इस स्लाइड के ऊपर टाइमिंग ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 सेकंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके इसको पहले सिलेक्ट किया सेकंड स्लाइड और यहाँ पे उसको टाइमिंग क्या दे दी, 10 सेकंड्स, ठीक है, फिर मैंने सेव किया। लेकिन अगर मैं बाकी स्लाइड पे जाऊं तो देखो वहां पे टाइमिंग आपके पास क्या है, वही है 5 सेकेंड, सही है। तो मतलब आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जाओ तब आप देखो कि भाई एक स्लाइड के ऊपर मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है।